पेंट्स, आज है 20 अक्टूबर और आज नंबर लगा इनका। इनके सारा पेंट्स ना ये वैसे ही ब्लैक थे, हमने इन पर स्प्रे पेंट किया था लास्ट ईयर, पर वो स्प्रे पेंट भी अब ख़राब हो रहा था तो मैंने सोचा इस पर भी एक्रेलिक मेरे पास पड़ा है वो पेंट कर देती हूँ। तो उसके बाद देखते हैं क्या आता है इसका आउटलुक, दिखाऊंगी जब आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तो कुछ ऐसा है, थोड़ा सा मैंने किया है अभी ब्लैक शुरू, देखते हैं कैसा रहता है। सिविल पास आ गया है, वैसे वैसे काम भी ख़त्म हो गया है और आज तो मैं 12 बजे पूरा नहा धो के तैयार हो गई हूँ। बस सिर्फ बालकनी में वो लगी हुई है ना लेबर, उसका समेटना रह गया, वो भी वैसे हमने एक तरफ का समेट दिया, जहाँ वो काम कर रहे हैं वही समेटना है, अदरवाइज पूरा काम मेरा आज जल्दी ख़त्म हो गया। थोड़ा तो लगा ही रहेगा, वो तो मुझे वैसे ही होता है कि डेली का जो है रूटीन वो तो चलेगा, तो वो करते रहेंगे। बाकी एक सांस आ गई है, नहीं तो मैं परेशान हुई पड़ी थी। तो इसी के साथ अभी वो देखो, ओह कहाँ ये मशीन लगाती हूँ, प्रे करना चल जाए, चल जाती है वैसे तो, पर कभी कभी अटक जाती है, पर कभी कभी अटक जाती है ना, कभी कभी तो चल जाती है, कभी कभी अटक जाती है। अब जाके देखती हूँ चलती है कि नहीं, प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करना, नहीं तो मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरे सच्ची में वॉशिंग मशीन से बहुत परेशान हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर में, तो दिखाती हूँ क्या हाल है बाहर का। सब कुछ बंद करके हम बैठे हैं अंदर कि किसी तरह ये काम ख़त्म होए। क्या बुरा हाल है, ऊपर से मैक्स इनको देख के भौंकता रहता है। सारे प्लांट्स इधर कर रहे हैं कुछ, मैंने काम खत्म होकर तो सेटिंग होगी, जल्दी फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा ये कंप्लीट कर लूं, तो यहाँ तक पहुँचा। कितनी देर में पूरा होता है, वैसे तो येलो कलर और थोड़ी डेकोरेशन रह गई। अभी तो टाइम हुआ है 12:05, गोल्डन गोल्डन बहुत हो गया था, पहले कॉपर, पहले ब्लैक था, फिर कॉपर किया, फिर गोल्डन करा, और मैंने कहा कलरफुल से कर देते हैं आज। इस बार तो फेस्टिवल में डेकोरेशन करी हुई अच्छी लगती है ना कलरफुल। ये आत्मा आ गया और इसका भाई इससे बात दे वाली है, गंदे वाली कमर दर्द हो रही है, कमर दर्द हो रही है और घुटना, गोड्डा भी दर्द है और उंगली उंगली और जुकाम बुखार तो नहीं कुछ? बुखार जैसा लग रहा है। इधर तो मुखले नाराज है क्या? नहीं तो कम हो, सर भी दर्द हो रहा है। कैसा रहा स्कूल में आज? बोरिंग अगर इतना महा लगा सकते ना वो हो गया तेरा म्यूजिक का है बोरिंग। अब कल है चल कल लास्ट है, फिर तू आजाद, फिर तू कही हो उड़ता ही फिरूं घटाऊं। और इसको देखो मैक्स को, आज से सुबह से इसने जो शोर मचा रखा है ना मैक्स ने, पूछ मत मैक्सो फिर ना। रात को मैं सो नहीं पाई, एक अजीब सी टेंशन सी दिमाग में घूमती रही, और दूसरा वो ही होता है जिस दिन रात को नहीं सोती उस दिन दोपहर को भी मेरी हालत ख़राब रहती है और कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है। पापा क्या करा रहे हो? ये पता नहीं त्योहार वाले दिनों में ही पापा को काम याद आता है। मैक्स अगर तू चिपक गया ना इससे, कितने दिनों से कह रही हूँ मैं पापा को ये काम, और पापा को आज याद आई है दिवाली से 2 दिन पहले। वाह पापा ऑसम है। 31 दिसंबर की अब ये सारी सफाइयाँ हो चुकी थी, अब ये बताओ कि अब ये सफाइयाँ दोबारा कौन करेगा? ये जो ये मिट्टी का काम हुआ ना, बस ही होना, तो वो कर दिया था उन्होंने सारा साफ। वो कह रहा ठेकेदार कुछ भी नहीं देगा हमारे को। क्यों? 2 दिन में काम खींच दिया ना, तब भी कह रहा काम कम हुआ। फ्रेंड्स पेंटिंग पूरी हो गई, थोड़ी थोड़ी करती रही दिन में, कभी एक कभी दो कभी कुछ
पता ना कैसे लग रहे हैं बुद्धा जी, अब यंग यंग बुद्धा जी लग रहे हैं ना। इनकम्प्लीट हो गई, सोच रही हूँ थोड़ी सी कुछ एसेसरीज लगाऊँ ना लगाऊँ, देखते हैं। पर आप ये ज़रूर बताना कैसे लगे, मैंने ये एक्रेलिक कलर से पेंट करा है। चुके हैं सोमू बैठक के, कीर्तन कर रहा है। सोमू की नींद बहुत अच्छी रही आज दोपहर की, कैसी रही बेटा? उदास क्यों है बेटा, गला दुख रहा है? ये बेटे को भी कुछ ना कुछ हुआ रहता है, कभी गला, कभी नाक, कभी कान, कभी आँख, कभी टांग, कभी पैर, कभी कमर। दो रोटी फालतू खा लिया कर, ताकत नहीं है तुझमें। वो देखो सबकी नींद खराब हुई है आज, लेकिन काम बहुत बढ़िया हो गया। और ये भाई साहब उसके खो रहे कंबल पे बैठ के। फ्रेंड्स तो ये देखिए ऐसे निकल के आए हैं, ये आफ्टर माय पेंटिंग, ऐसी पेंटिंग हुई है। तो फ्रेंड्स आप बताना आपको कैसे लगे, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मुझे वैसे ही बुद्धा और गन्नू भैया दोनों के स्टेचूज रखने बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। फ्रेंड्स आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं, ज़रूर बताना फ्रेंड्स, बता देना। आज बन रही है रात में, तो फ्रेंड्स आज बन रही है रात में परौंठी। सोमू कह रहा था मुझे ना कुछ कुरमुरा सा खिला दो, तो मैंने कहा भाई बाहर से खाना तो सही नहीं है, बहुत उटपटांग मिल रहा है आजकल। साथ में बनी है आज मलका की दाल, प्यार तो सोमू को देते नहीं है तो उसको दिया है मैंने थोड़ा प्याज काट के, अंडे बोल रहे हैं। फ्रेंड्स मुझे अभी फीवर हुआ था, अभी मैंने मेडिसिन ली तो अभी बेटर फील हो, लेकिन मम्मा को फीवर हो गया और रेस्ट कर रही है। तो मिलेंगे कल ब्लॉग में, तब तक के लिए अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होते थे और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, भूलना नहीं है, नहीं भूलना। तो मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।